कंगना रनौत रंगून फिल्म की मार्केटिंग टीम से हैं बहुत नाराज। अपेरेंटली रंगून के फेलियर का रीजन कंगना मानती हैं बैड मार्केटिंग को। वेल, इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल रंगून की लाइफ टाइम अर्निंग करीबन 20 करोड़ रुपए रही है, विच हैज मेड इट अ फ्लॉप, और शुरू हो गया है ब्लेम गेम। दरअसल जब फिल्म की मार्केटिंग शुरू हो गई थी तो कंगना इसे हर जगह थ्री हीरो फिल्म कहती थी, और कई बार उन्होंने कहा कि ये मेजरली उनकी फिल्म है, जो शाहिद और सैफ को सही नहीं लगा। फिर मार्केटिंग टीम के इंटरवेंशन के बाद कंगना ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया और शाहिद से अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी और फिल्म प्रमोट हो पाई। बट इस बात पर भी उन्हें बहुत रिजिड कॉमेंट्स मिलना शुरू हो गए। इनफैक्ट शाहिद ने भी उनको स्ट्रेट वर्ड्स में टारगेट किया। कंगना ने that you have taken that line from Hrithik, that she thinks imaginative stuff in her head. So your reaction to it? See, there are all kinds of different ways to promote a film. This is a very credible film, and I want the focus of this film to stay on the quality of the film and the content of the film. And I don't want these kind of things, you know, these questions that you're asking me and asking me to give a reply, to distract the audience from why they should come and watch Rangoon. Well, film ke release hone ke baad, Kangana ne lightly phir apni naraazgi share ki, jab unhone kaha ki unhe bura lagta hai, jab unke favorite scenes movie se kaat diye gaye. Jab mujhe pata chala ki mere graph ke jo hain, bahut zyada टॉप नॉच सीन्स जो है कट गए हैं, तो मेरी उम्मीदें सारी शैटर हो गई थी। मैंने कहा मेरा काम ठीक लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। वेल, अ फिल्म कंटेंट की वजह से नहीं चली, बैड मार्केटिंग या बैड एक्टिंग की वजह से। बट सच यही है कि फिल्म नहीं चली, और अब सिर्फ बातें हो सकती हैं, जिससे फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।